राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद आज। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान। दोपहर बाद होगा चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान। पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा जल्द ही हम इस क्षेत्र में होंगे शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ आयोजन। कराची में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से तोड़फोड़। नूपुर शर्मा मामले में भारत को सीख दे रहा था पाकिस्तान। अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। भोपाल में मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे कार्यक्रम में शामिल। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। और मध्य प्रदेश में मौसम में दिख सकता है बदलाव। गरज चमक के साथ बारिश के आसार। भीषण गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 के शंखनाद का वक्त आ गया है। बताया जा रहा है चुनाव आयोग ने आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें वे राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करेंगे। 24 जुलाई के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया का पूरा किया जाना तय है। राष्ट्रपति चुनाव 2017 में मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। तब 50% वोट सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में थे। साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी अधिकतर दलों का समर्थन मिल गया था। इस बार भी कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के करीब है। हालांकि अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने यह बात भी कही कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 सालों में 8 गुना बढ़ी है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत में नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर सीख देने वाले पाकिस्तान को खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दरअसल यहां के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने ये जानकारी दी थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ का ये ताजा मामला है। पुलिस ने बताया कि कराची कोरंगी इलाके के श्री मारी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई थी। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज शाम 6 बजे मिट्टी बजाओ जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सदगुरु अपनी 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज एडिटर खबर भारत से राजेंद्र कानूनगो जी, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको एक खबर एक बार फिर से बता दें कि किस तरह से मिट्टी बचाओ, दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन होना है शाम 6 बजे। ये वक्त तय किया गया है जहां महत्वपूर्ण जो मुख्य अतिथि आने वाले हैं वो सदगुरु वासुदेव हैं। अपनी 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है मिट्टी बचाओ जनजागरण कार्यक्रम है ये, जिसका आयोजन किया जाना है। और हम बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम की खासियत, इसका उद्देश्य क्या कहेंगे इस कैंपेन के बारे में? देखिए, जग्गी वासुदेव जी हैं, ऐसे संत हैं जो हमेशा समाज की भलाई के लिए, समाज को जनजागृत करने के लिए
कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित मतलब में भाग लेते रहते हैं और स्वयं जो है इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो फिलहाल जो है ये कहा जाए नर्मदा यात्रा जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने जो पिछले कार्यकाल में की थी, जिसमें कि नर्मदा यात्रा में काफी संख्या में लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए थे, तो उसमें भी जग्गी वासुदेव जो है वो सम्मिलित हुए थे। तो इसी प्रकार की एक यात्रा उनके तरफ से अभी आयोजित की गई है। तो इस यात्रा में वो मोटरसाइकिल में अपने फॉलोअर्स के साथ 30,000 किलोमीटर की यात्रा लेकर के यात्रा सम्मिलित हो रहे हैं और इनकी यात्रा में जो प्रवेश है वो सागर होते हुए सागर विदिशा रायसेन करते हुए यात्रा वो भोपाल पहुंचेंगे। शाम को 6 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी सम्मिलित होंगे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। जी जी इसमें जो सम्मिलित होंगे मिट्टी बचाओ धरती बचाओ मतलब पर्यावरण बचाओ, क्योंकि मिट्टी से ही पैदावार होती है, उसी से पर्यावरण है, उसी से जो है वो किसानों की भलाई है। मिट्टी बचेगी खेतों में भी उपज बढ़ेगी। इस प्रकार से ये आयोजन का इन्होंने संकल्प लिया है और ये यात्रा निकाली है, तो ये समाज हित में देश हित में किसानों के हित में आम जनता के हित में, क्योंकि इससे पर्यावरण बचने वाला है और पेड़ पौधों का इसमें विस्तार होगा, ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, पर्यावरण सुधरेगा। और ये यात्रा इनकी यहाँ पर अभी भोपाल में इनके इनके संबोधन के पश्चात मुख्यमंत्री के संबोधन के पश्चात समाप्त होगी और ये यात्रा फिर बाद में इनकी सीहोर आष्टा सोनकर देवास होती हुई महेश्वर पहुंचेगी और इसके बाद वहां से ये मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये इनकी यात्रा का उद्देश्य बड़ा अच्छा है और देश हित में है, प्रजा के हित में है, जनता के हित में है। जी बिल्कुल, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ये दरअसल, जिसमें सेव सॉइल यानी मिट्टी बचाओ ये कैंपेन, तो सभी की भलाई के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 6 बजे इसकी पूरी रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने संभावना जताई है, मौसम में बदलाव हो सकता है, गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व महापौर और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का नाम सामने आया है और नाम सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो पूर्व अनुभव का फायदा और राजधानी को कैसे नए आयाम स्थापित करने हैं इसको लेकर भी काम करना होगा। चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है, कांग्रेस ने लगभग अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए मेयर पद के लिए विभा पटेल का नाम सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश महिला कांग्रेस की वो अध्यक्ष है और पूर्व में भी वो लगातार जो है महापौर के पद पर रही है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, विभा पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। विभा जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में। जी एक बार फिर से आपके ऊपर कहीं ना कहीं दावमदार कहा जा सकता है संभालने के लिए, आपको अब एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए महापौर का आपको दावेदार बना रही है बीजेपी कांग्रेस। देखिए पार्टी में मैं बहुत दिनों से कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हूँ और पार्टी की अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता सोचते हैं मुझे उपयुक्त मानते हैं तो वो निर्देशित करेंगे तो चुनाव लड़ूंगी।
लेकिन अगर बात करें, क्योंकि महिला कांग्रेस में कई ऐसी जुझारू महिलाएं भी रही हैं, संतोष कंसाना का नाम भी जिसमें निकल के आया था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी एक आपके ऊपर उन्होंने रखी है, तो क्या मानते हैं जिम्मेदारी को किस प्रकार से निर्वहन करेंगे, चूंकि जिला प्रदेश अध्यक्ष का कमान भी आपके पास है? देखिए, पार्टी में बहुत सारे काबिल लोग होते हैं, बहुत से सक्षम लोग भी होते हैं और बहुत से इच्छुक लोग भी होते हैं, तो किसी भी पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल मैं ही नहीं, कई महिलाएं ये सोचती हैं कि उन्हें अवसर मिले, लेकिन पार्टी नेतृत्व अगर जिस पर भी विश्वास जताता है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। विभा पटेल एक नाम है, कांग्रेस की एक का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वास्तव में जो चुनाव है वो कार्यकर्ता लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और निश्चित तौर से आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से महंगाई के मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो प्रमुख समस्याएं हैं इनके साथ हम लोग जनता के बीच में जाएं। आज भोपाल राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ जनता पर डाल दिया गया है और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वे बहुत खराब होती जा रही हैं। आज स्थिति ये है कि बिजली के बिलों की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े बिजली के बिल लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जा रही। मेंटेनेंस के नाम पर घोषित कटौती की जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स अपनी जगह पर है, पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी और हमें जनता की आवाज़ बनना है। में भी आपने चुनाव लड़ा था, उस समय भी आपका कार्यकाल हमने देखा, आने वाले समय जो कि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर के क्या नई रणनीति के साथ उतरेंगे विभा पटेल जी? देखिए, अभी तो पार्टी हमारा नाम घोषित करे, पहले पार्टी में प्रत्याशी घोषित होंगे, उसके बाद जैसा हमारे नेता लोग निर्देशित करेंगे उसी तरह से कार्य योजना बनाई जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि जिस तरह से आज आम जनता, भोपाल की जनता परेशान हो रही है, उसके लिए हमें उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा। भोपाल एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहर बने, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि महंगाई अपनी जगह की बात है, भ्रष्टाचार अपनी जगह, मैं कहता शहर को, शहर में ऐसी क्या डेवलपमेंट आप देना चाहेंगे अगर आप खुद मेयर बनते हैं दोबारा? तो देखिए, दोबारा अगर जनता हमें चुनती है और मुझे महापौर बनने का अवसर मिलता है, तो सबसे पहले तो मैं भोपाल की जनता की बहुत आभारी रहूंगी। और दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से जनता को कि जिस तरह हरियाली को, भोपाल की हरियाली को पलीता लगाया गया है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर टैक्स बढ़ाए गए हैं, और केवल नाम ही रहा भोपाल का स्मार्ट सिटी में, सुविधाएं कुछ भी नहीं बढ़ी हैं। आज भोपाल शहर को अगर आप देखें तो जो भोपाल की पहचान थी वो पहचान कहीं ना कहीं गुमसी होती जा रही है। मेरा ये प्रयास होगा कि भोपाल राजधानी है और एक प्रदेश की राजधानी कैसी हो उसी रूप में भोपाल को विकसित होना चाहिए। तो ये थी विभा पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार चुनाव कार्यकर्ता को लड़ना है और पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। शमशाबाद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 के रहवासियों ने नगर परिषद चुनाव में मतदान का बहिष्कार का ज्ञापन देकर प्रशासन को चेतावनी दी है। रहवासियों का कहना है कि उनके वार्ड में नाले का निर्माण, जो कि निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे कुछ व्यक्तियों के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया। इससे रहवासी नाली निर्माण नहीं होने पर गंदे पानी और पीने के पानी में गंदा पानी मिलने से काफी परेशान है। रहवासियों ने इसकी कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने आए हैं, पूर्व में भी हमने तहसील महोदय को ज्ञापन दिया है, अगर हमारी 4 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये तो काफी बहुत वर्षों पुराना है, इसमें विधायक जी का भी बहुत योगदान रहा, जो नाला हमने स्वीकृत कर दिया, इसलिए हम विधायक जी के बहुत आभार भारी हैं। नाल निर्माण कार्ड, उसमें हमारे घरों में अगली साल के वीडियो रखे, फोटो रखे, घरों में पानी भराता है, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, मवेशी गिर जाती है, सूंगर मर जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली गिर जाते हैं, सब समस्याएं भी हजार हैं उसकी, नाले की। जैसे कि शमशाबाद में वार्डवासी वार्ड नंबर 4 के द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जो निर्माण नाला निर्माण कार्य चल रहा था उसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के दखल से और ये ठेकेदार के द्वारा काम बंद कर दिया गया है। इस संबंध में नगर परिषद CMO से चर्चा करके शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू कराया जाएगा। नहीं, मतदान के लिए हम सभी को जागरूक करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि मतदान का प्रयोग करें, इससे आपके हक और आपके जो हित अधिकार है वो ऊपर लेवल तक पहुँचते हैं।
और अब अशोकनगर की खबर आपको बताते हैं, जहां जिला पंचायत का फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। जी आपको अशोकनगर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अभ्यर्थी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेजी पर हैं और अशोकनगर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से बसपा नेता बाबूलाल डेलवार ने फॉर्म जमा किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें, फॉर्म निरस्त होने के बाद बाबूलाल डेलवार ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में फॉर्म निरस्त करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आज मैं कलेक्ट्रेट में होता तो वहीं आत्महत्या कर लेता, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की बात है। उन्होंने मामले की गुहार हाईकोर्ट से लगाने की बात भी कही है। मेरी राजनीतिक दबाव के कारण मेरी राजनीतिक हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा, जिलाधीश के द्वारा, और मुझे राजनीति से वंचित किया गया है। ये बड़ा दुख का विषय है। तीसरा मेरा बिंदु है, यदि मैं मौके पर होता जो निर्णय कलेक्टर महोदय ले रही थी, मैं वहाँ से कूद जाता, आत्महत्या कर लेता। मैं अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं होने देता। मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यदि मुझे न्याय नहीं मिला, मैं 2000 परिवारों के साथ मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा और मैं इसको जिले को बता दूंगा कि हमारे न्याय नहीं मिला एससी के लोगों को। कोरिया जिले के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में एक टाइगर की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, रामगढ़ रेंज के सलगवा खुर्द में एक टाइगर की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि शनिवार को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था। साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम अंबिकापुर से आई और डॉग स्क्वाड टीम का भी सहारा लिया गया, जिसमें वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। हमें 5 जून रात में हमारे फॉरेस्ट गार्ड को एक मृत टाइगर पाया गया है, उसी के साथ साथ एक बफेलो किल भी उसी के 400 मीटर्स दूरी में पाया गया था। तो उसने रेंजर को इन्फॉर्म किया है और हमें 6th के अर्ली मॉर्निंग में पता चला था। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद पूछताछ किए, एक सलगवा करके गांव है उसी के बगल में हुआ है, अराउंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। तो गांव में जाके पूछताछ किए कि बछड़ा किसका है, तो हमें कुछ लोगों का नाम उसमें आया है। पागनी सपागा के रहने वाले एक जूता कारोबारी को व्यापारी ने लगभग 25 लाख की टोपी पहना दी। आपको बता दें, आरोपी ने पहले तो नकद में माल खरीदकर अच्छे संबंध बनाए, उसके बाद उधार माल लेकर खाता बंद करके चेक थमा दिया। वहीं फरियादी ने जब बैंक में इस चेक को डाला तो पता लगा कि वो सभी अकाउंट पहले से ही बंद हैं। इसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज कर लिया। आवेदक राजेंद्र शर्मा मेडिकेप्स कंपनी के अंदर जो काम करते हैं उनकी रिपोर्ट पर से अनावेदक रक्षित पटेल, अर्जुन पटेल और कोमल पटेल, जो कि जय फार्मुलेशन गुजरात की कंपनी है, इनके विरुद्ध एक 420-406 का प्रकरण दर्ज किया है। ये जो आवेदक हैं, इनकी कंपनी कैप्सूल बनाने का काम करती है। इन्होंने कैप्सूल बनाकर सप्लाई किए थे संबंधित कंपनी को, उनके द्वारा चेक दिए गए इनको निर्धारित अमाउंट के, उसके बाद उन चेक को स्टॉप पेमेंट करा दिया गया और सामने वाले से उन्होंने पेमेंट प्राप्त कर लिया और उनको पेमेंट नहीं दिया, और उन्होंने कुछ जो चेक दिए हैं वो दूसरे चेक भी दे दिए जहाँ पर उनका अकाउंट ही नहीं है। इस प्रकार इनके विरुद्ध 420-406 का प्रकरण दर्ज किया। खरगोन के टाउन हॉल के सामने बुधवार को 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इसके बाद 2 युवकों की सामूहिक पिटाई के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इसके बाद मामले को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया और एसपी कलेक्टर ने खुद अस्पताल का दौरा किया। एसपी ने बताया कि युवकों की पिटाई के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। दोनों जो एक्सीडेंट से संबंधित पक्ष थे उनमें विवाद हुआ। आसपास के जो ठेले वाले थे उन्होंने आगे आके तो मारपीट शुरू की है, उसमें मारपीट की घटना हुई है। उसमें जो सब्सिक्वेंट रिएक्शन हुआ उसमें घबरा गया है लोग,
इमीडिएटली वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेके आए थे। डॉक्टरों ने बातचीत की है, कंडीशन ठीक है। जिन लोगों ने बातचीत की है उन लोगों को FIR अस्पताल में ही करा रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। मनावर में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में भारत माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इसको लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से डीजे के साथ चल समारोह भी निकाला गया। समारोह में छोटे बच्चों के साथ ही कई महिला पुरुष शामिल हुए। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हिंदू समाज एकत्रित हो और जागृत हो। इस अवसर पर SDM भूपेंद्र सिंह रावत, SDOP धीरज बब्बर, TI नीरज बरथरे समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आज हिंदू जागरण मंच द्वारा यह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य था हिंदू समाज के अंदर जिस प्रकार से आज देश की परिस्थितियां चल रही है, उस परिस्थितियों के से निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए हिंदू समाज आगे आए, संगठित हो और अपने आप को जो रक्षात्मक शैली में उसने रख रखा है उससे वो आक्रामक शैली में आए। आक्रामक शैली का मतलब ये नहीं कि पत्थर मारे या लोगों को चलते रास्ते मारे, लेकिन जिस प्रकार में देश की आज परिस्थिति है, उस देश की परिस्थिति से सामना करने के लिए हमको भी अपना सीना अड़ाना पड़ेगा। हम महाराणा प्रताप जो महान योद्धा थे उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं और जो आज हम समाज में एक जन जागरण हो उस को लेकर हम यह कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।